हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का। जब से पबजी मोबाइल गवर्नमेंट ने किया है बैन, तब से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आशंका है कि आप पबजी अपने लैपटॉप या फिर कंसोल पे खेल सकते हैं। तो इसका सीधा साधा जवाब ये है कि आप बिल्कुल खेल सकते हैं, क्योंकि जो पबजी है और पबजी लाइट, ये दो गेम्स हैं जो गवर्नमेंट ने बैन किए हैं। और जो पबजी कंसोल वाला गेम है वो बैन नहीं किया गया, वो इसलिए नहीं किया गया है कि कोई पबजी मोबाइल और पबजी लाइट ये ओन करता है टेंसेंट, एक कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, वो ओन करता है। और जो पबजी कंसोल गेमिंग का वर्जन है वो ओन करता है पबजी कॉर्पोरेशन, जो कि पार्ट है ब्लू होल कंपनी की, जो एक साउथ कोरियन कंपनी है। और बहुत सारे लोगों को यह भी दिमाग में है कि क्या हम VPN यूज करके हम पबजी मोबाइल गेम खेल सकते हैं, तो इसका जवाब भी नहीं है फिलहाल के लिए। तो अभी आप बहुत सारे लोग खेल पा रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों में यह भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब टिकटॉक को बैन किया गया था बहुत सारे लोग उसको VPN के द्वारा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, जो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट निर्देश देके रखे हैं टेलकोस को, ISPs को, कि हर जगह आप इसको ब्लॉक करेंगे। और जो IP मास्किंग होती है, जिसकी वजह से VPN आपको कनेक्शन देता है, उस पर भी कड़ी नजर रखी हुई है गवर्नमेंट ने, और उनको बोल के रखा है भैया ये IP आप देखोगे, ये सिस्टम देखोगे, यहां से आ रहा है, इंडिया से ऑरिजिनेट हो रहा है, तो यहां बिल्कुल नहीं चलेगा। Realme ने कल 7 सीरीज लॉन्च की थी, और उसके तुरंत बाद यानी कि आज उन लोग ने Realme 6 और 6i के प्राइस कर दिए हैं कम। अब Realme 6 का 4GB वाला वेरिएंट आपको 13,999 रुपए में मिल जाएगा, और वहीं अगर बात कर लें 6i की, वो आपको स्टार्टिंग मॉडल मिल जाएगा 12,999। Itel ने 20,000 मिली एम्पियर का एक पावर बैंक लॉन्च कर दिया है, और दाम की बात कर लें, इसका दाम रखा गया है ₹1,319। और ये पावर बैंक है, इसका नाम रखा गया है Itel IP81। और यहां पर आपको ये बता दें, जो पावर बैंक है ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। आज इंटरनेशनल मार्केट में TCL ने अपने टैबलेट्स लॉन्च कर दिए, और इन टैबलेट का नाम है TCL 10 Tab Max और Tab Mid टैबलेट। और अगर दाम की बात कर लें, इन टैबलेट्स का दाम 21,000 रुपए से ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है, कन्वर्टेड प्राइस है, क्योंकि अभी ये भारत में लॉन्च नहीं है और इनकी अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग की पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। सैमसंग ने आज से अपने गैलेक्सी नोट 10 सीरीज के स्मार्टफोन में एक नया अपडेट रिलीज कर दिया है, और उनको अब मिल गया है One UI 2.5। और ये जो अपडेट रिलीज किया है, इसकी वजह से नोट 10 की सीरीज फोन में डेक्स सपोर्ट आ जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा, और साथ ही साथ कुछ कुछ एनहांसमेंट्स और हैं जो कि कैमरा से रिलेटेड हैं, वो भी अवेलेबल कर दी जाएगी। और ये अपडेट है फेस्ड मैनर में रिलीज किया जा रहा है, तो धीरे धीरे करके जितने भी यूजर्स हैं उनके डिवाइस पे पहुंच जाएगा। पोको M2 का लॉन्च जितना नजदीक आ रहा है, कंपनी उतने ही टीजर्स लॉन्च कर रही है, और जो लेटेस्ट टीजर उन्होंने जारी किया है उसके हिसाब से वो कहते हैं ये जो फोन होगा ये चीपेस्ट फोन होगा 6GB रैम के साथ। अब देखते हैं जब लॉन्च होगा तो सच में चीपेस्ट है कि नहीं। मीडियाटेक ने भी रिसेंटली अपने एक चिपसेट रिलीज किया था जिसका नाम था डिमेंसिटी 1000C, और अब एक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि जो पहला स्मार्टफोन इस चिपसेट पर बेस्ड होने वाला है वो है LG Velvet 5G। और ये LG का जो फोन है LG Velvet 5G, इसके बारे में अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भारत में कब लॉन्च होने वाला है, क्योंकि फिलहाल की जो जानकारी ये है कि ये US में होने वाला है लॉन्च, क्योंकि आप देख रहे होंगे काफी टाइम से LG शांत बैठा हुआ है भारतीय मार्केट में। Redmi Note 9 Max आज से ओपन सेल पर चला गया, यानी कि आपको कोई भी वो फ्लैश सेल का इंतजार नहीं करना है, आप चाहें तो ये डिवाइस ले सकते हैं। आप बताइए कि अपने एक्सपीरियंस से सच में जब भी ओपन सेल में कोई डिवाइस जाती है सच में आराम से मिल जाती है कि नहीं मिलती है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स, यहां पर ये भी बता दें कि जो इसका जो 6GB वाला वेरियंट है उसका दाम 16,999 रुपए से स्टार्ट होता है, और जो टॉप मोस्ट वेरियंट है उसका दाम है 19,999। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज की न्यूज फटाफट में, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।